नमस्कार जोहार, मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त कुमार संभव और आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। और आज शिक्षक दिवस है। आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर इस दिवस को शिक्षकों को समर्पित किया गया है। और इस पूरे शिक्षक दिवस के क्रम में आज मैं बात कर रहा हूँ रांची के एक मशहूर स्कूल आचार्य कुलम की प्रिंसिपल सुजाता कौरा मैम से। सुजाता कौरा मैम, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो खांची 90.4 एफएम में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सबों को शिक्षक दिवस पर बहुत अधिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जी मैम, मैम एक बात हमेशा से आती रही है शिक्षक दिवस की जब बात होती है तो शिक्षक दिवस क्यों महत्वपूर्ण है, ये एक सवाल शुरू से मन में रहा है। क्योंकि शिक्षा का पठन पाठन से रिलेशन तो है, लेकिन सिर्फ एक दिवस ही क्यों मनाते हैं इसके लिए? शिक्षक दिवस की इम्पोर्टेंस तब बढ़ी थी जब राधा कृष्ण जी खुद से एक शिक्षक थे और बच्चों ने कहा कि उनका जन्म दिवस मनाना है, तो उन्होंने कहा कि मेरी जन्म तिथि को उतना इम्पोर्टेंस मत दो मेरे बर्थडे के लिए, बल्कि उसे शिक्षकों को समर्पित कर दो। तभी से ये 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाने लगे। बिल्कुल मैम, ये उस महान शिक्षक ने अपने जन्म दिवस पर हम सबों को ये गिफ्ट तोहफा दिया। और मैं आपको श्रोताओं बताता चलूं कि सुजाता कोरा मैम मेरी भी टीचर रही हैं। जब मैं गुरु नानक स्कूल में पढ़ा करता था, मैम हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाया करती थी। और मुझे याद आता है मैम, उस समय जब शिक्षक दिवस मनाया जाता था तो बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्कूल में करते थे, बहुत सारी तैयारियां होती थी, एक एक हफ्ते तक रहते थे। वैसा कुछ तो इस बार हम लोग मिस कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या याद आता है उस समय की बातें अगर की जाए तो? बहुत अच्छा, मतलब वो हमारे लिए एसेट बोलते हैं ना जिसको, हमारी धरोहर के रूप में हमारे पास है कि हमारे बच्चे हमारे लिए क्लासरूम को सजाते थे और हॉल में पूरा कल्चरल प्रोग्राम किया जाता था, तो एक अलग सी फीलिंग आती थी कि हाँ यू आर वेरी इम्पोर्टेंट। हम हमारी इम्पोर्टेंस पता चलती थी कि बच्चों के बीच में हमारे लिए कितना रिस्पेक्ट है, कितना वो हमें अफेक्शन दिखाना चाहते हैं और अपनी सारी बातें हमारे सामने रख सकते हैं, ऐसा लगता था। बिल्कुल मैम, और वो दिन आज भी हमें याद है। और उस दिन के लिए और जो आप लोगों से हमें शिक्षा मिली है उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से सभी के सामने धन्यवाद करना चाहूँगा। और मुझे भी पूरा विश्वास है कि सारे लिसनर्स थैंक यू बोलना चाहेंगे अपने टीचर्स को। मैम एक सवाल यहाँ बनता है कि अपना शिक्षा को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, नई शिक्षा नीति भी आई है, तो ये नई शिक्षा नीति समाज के लिए कैसे उपयोगी है? मैम नई शिक्षा नीति संभव बहुत ही अच्छी है, फिर भी किसी भी नई चीज को शुरू करते हैं तो आपको पता है थोड़ा वक्त लगता है ना, समझने में, थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट करने में। मेरे ख्याल से एक तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा जी। और दूसरी बात, जो अभी बीएड करने के लिए जो मारा मारी चलती है एडमिशन के लिए, बच्चों की परेशानी, और जो नौकरी करते हैं उन्हें बीएड करना है तो छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, कैसे रेगुलर क्लासेस करें, ये परेशानी खत्म होगी। और तीसरी बात, जो क्लास 10 में इन्होंने बोर्ड्स खत्म कर दिए हैं, बच्चों का प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा। 10 तक बच्चे छोटे ही होते हैं, हमने तो 11 12 को पढ़ाया तो लगता है 11 12 भी हमारे लिए छोटे ही थे, लेकिन 10 तक तो लगता था कि बिल्कुल इन्फेंट है ना, उतने तेज, उतने दिमाग नहीं आ पाता है कि वो प्रेशर ले सके। और अभी ऐसा लगता है कि हाँ प्रेशर के चलते बहुत स्ट्रेस हो रहे हैं, हमें इतने स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज करवाने पड़ रहे हैं, तो ये सब चीजें मुझे लगता है खत्म हो जाएंगी। क्लास 12 तक बच्चा मैच्योर थोड़ा हो जाता है, 18 साल की उम्र में वो समझने लगता है उसके लिए क्या सही क्या गलत, सच में उसे कितना फोकस करना है, तो ये पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा कि बार बार पढ़ो पढ़ो वाली चीजें मेरे ख्याल से अब नहीं भूलनी पड़ेगी, तो मुझे लगता है ये अच्छा है। और वोकेशनल जब इतना शुरू कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे तो हम सोच ही सकते हैं। बिल्कुल मैम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एक बढ़ावा मिलेगा और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रेस होता है वो मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा, और भी बहुत सारे गुण हैं। मैम गुण की जब बात करते हैं तो आपकी, आप एक प्रिंसिपल के रूप में काम कर रही हैं, पहले आप शिक्षक थी और अभी भी आप क्लासेस जरूर लेती होंगी, तो एक अच्छे शिक्षक में आप कौन कौन से गुण देखती हैं? मुझे लगता है सबसे पहले तो शिक्षक को टाइम बाउंड होना चाहिए जी, है ना, एकदम पंक्चुअल। अगर हमने स्कूल का टाइम 7 बजे रखा है तो आप 6:55 पर वहां पे हैं,
अगर 8 बजे है तो 7:55 पे है। ये एक हैबिट हो जानी चाहिए, जैसे हम ब्रीथ करते हैं ना वैसे ही ये भी होना चाहिए। तो डिसिप्लिन टीचर्स में पहले आना चाहिए। बिल्कुल हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाएगी। और जहां तक मुझे लगता है, मुझे अपने स्वभाव के हिसाब से, कि स्वभाव में विनम्र होना चाहिए जी, थोड़ा वाणी में संतुलन होना चाहिए, है ना। और एक अंत मन से कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिसको पैशन कहते हैं। अगर ये सब गुण आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी कोई शिक्षक ऐसा होगा जिसके रिस्पेक्ट में कभी भी समाज में कमी आए। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही मैम, आपने ये डिसिप्लिन और ये सब चीजें कही। एक चीज मैं जो आपकी खासियत थी वो मैं बताना चाहूंगा अपने लिसनर्स को, कि मैम चीज़ों को बहुत ही लाइट रखती थी। अगर पढ़ाते वक्त उनके जो एग्जाम्पल्स होते थे वो बहुत ही सरल होते थे और बहुत आसानी से समझ में आते थे। लाइव एग्जाम्पल्स, उसको हम लोग लाइव एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स आप देती थी, जो बहुत बड़ी खासियत थी आपकी शिक्षा में। और वो आज के समय में देखा जाए तो थोड़ा सा मुझे मिसिंग लगता है। लेकिन मुझे संभव या मैं बोलना चाहती एक लाइन अचानक से याद आ गया, जब मैं डिमांड पढ़ाती थी ना जी जी, तो व्हाट इज डिमांड पढ़ाना होता था, तो मैं बोलती थी हमेशा कि एक बहुत गरीब आदमी मेरी तरह yes. बहुत अमीर आदमी तुम्हारी तरह, तो बहुत हंसते थे बच्चे मैम सारे गरीब आदमी की तरह हो। यही इनोवेशन की जरूरत बहुत पड़ती है आज के दौर में। देखा थोड़ा एक्सपीरियंस से आ जाता है, थोड़ा सा वही मैंने कहा ना, पैशन अगर होगा ना पढ़ाने का तो खुद ब खुद चीजें निकल के आ जाएंगी। बिल्कुल मैम, और एक अच्छे स्टूडेंट्स में क्या गुण होने चाहिए? बहुत सारे, गुड लिसनर, जो कि आदम कमी पाई जाती है ना, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं आजकल। मैं बोला करती थी मैं कि मैं किसको पढ़ा रही हूँ, मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों आपको यहाँ पे रहना है ना। बिल्कुल, तो वो बच्चों को बोलना पड़ता था, उनको एक रिस्पेक्ट करे सबकी, ये गुण उनके अंदर जरूर होनी चाहिए जी। हाँ, अगर वो रिस्पेक्ट करेंगे, वो थोड़े डिसिप्लिन में रहेंगे, तो खुद ब खुद उनके अंदर से वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और उनके अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। वो भी समझने लग जाएंगे कि जो भी मैम कर रही या सर कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए ही कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल, बस एक ही बात सबको याद रखनी चाहिए कि सारे बच्चों को, वो किसी भी लेवल के हो, एमएससी लेवल हो, क्लास 2 हो, 10 हो, 12 हो, जब भी कोई टीचर पढ़ाता है उसका एक ही मकसद रहता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे। बिल्कुल, वो सब कुछ सीख जाए जो मैं सिखाना चाहती हूँ। तो ये बच्चे समझ ले और थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल होना बेहद ज़रूरी है एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है मैम, तो इस वक्त तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खासकर स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये जो कोविड का समय जो चल रहा है। यस मैम, तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे और भी कई सोशल मीडिया हैंडल्स, यूट्यूब से लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल्स तो मिल रहे हैं, लेकिन और क्या कर सकता है एक स्टूडेंट कि और अच्छे से वो चीजें सीख सकें और समझ सकें? थोड़ा टफ तो हो गया है, और मुझे तो लगता है दोनों साइड से टफ हो गया है। टीचर्स को भी ना डबल काम करना पड़ रहा है, ऑडियोज बनाइए, वीडियोस बनाइए, स्क्रीन शेयर करने के लिए मटेरियल तैयार कीजिए, पीपीटी तैयार कीजिए, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन करना है। बोर्ड वर्क करते हैं लेकिन वो इतने अच्छे से विजिबल नहीं है क्लासरूम में, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है क्लास, किसी के पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, तो भी थोड़ी मुश्किलें आती हैं। तो ये बच्चों को समझने का टाइम है कि थोड़ा सा हम कोऑपरेट करें और थोड़ा सा टीचरों के लिए भी उनके मन में ये फीलिंग आए कि वो भी हमारे लिए ही कर रही हैं, और सबके लिए नई चीज़ है ना। बिल्कुल, अगर आप पुरानी टीचरों की बात करें, मुझे अभी भी याद है किसी ने मुझसे कहा कि अब तो रिटायर होने वाले हैं और देखो इस टाइम में मुझे पूरा ई लर्निंग करना पड़ रहा है, बट दे हैव टू, उनको करना है और वो कर रहे हैं क्योंकि उनको बच्चों को देना है मटेरियल। तो बच्चों को भी थोड़ा सा यहाँ सोचना चाहिए कि हम किस तरह से उसको अपने में ले सके, कैसे हम उसको ग्रास्प करें। ये चीज मुझे लगता है अगर इस तरह की बातें थोड़ी सी बच्चे समझे और स्ट्रेसलेस हो जाए, है ना, थोड़ा स्ट्रेसलेस है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं 10th 12th के बच्चे कि अब देखिए रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया 10th और 12th का, तो अब बच्चों को ये लग रहा है मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उतने से ही पढ़ के हमें बोर्ड का एग्जाम देना है। बिल्कुल करेक्ट, है ना। तो ये अब इन लोगों को अपने मन से थोड़ा सा ये भय निकालना होगा कि टीचर जो भी पढ़ा रही हैं आपके पास पूरा अच्छे से जा रहा है, आप ऑनलाइन में भी उनको ध्यान से सुनिए,
ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ते तो ही सुनते, अगर आप सामने हैं मैम के किसी भी मीडिया के थ्रू, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें। और मैंने तो कहा है कि सभी कोई स्कूल यूनिफॉर्म में ही बैठिए, बिल्कुल अपनी किताब कॉपी अपना लंच बॉक्स लेकर बैठिए, तो एक फील आएगा आपको कि हाँ आप लोग स्कूल में हैं, प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। पीटीएम में भी मैंने पेरेंट्स यही कहा कि आपको भी ये फील करना है कि बच्चे के स्कूल का टाइम हो गया है, क्लास का टाइम है। तो अगर इस तरह का माहौल हम बनाते हैं घर में तो बहुत आसान हो जाएगा बच्चों के लिए पढ़ना। बिल्कुल मैम, शुरुआत में जब ये लॉकडाउन हुआ था तो मार्च के एग्जामिनेशंस जस्ट खत्म ही हुए थे या हो रहे थे, और उसके बाद नए क्लासेस जब शुरू नहीं हुए, मैंने ऐसा फील किया कि एक एक्सटेंडेड हॉलीडे मिल गया है, समर वेकेशन काफी लंबा चलने वाला। लेकिन अब जो है थोड़ा सा सीरियसनेस वाकई में देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी ये एक्सेप्ट करने लगे हैं कि अब ऐसे ही क्लासेस होंगे और इसी तरीके से हमें अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी होगी। मोटिवेशनल क्लासेस बहुत ले रहे हैं, बिल्कुल हमेशा, मतलब पीटीएम के साथ साथ बच्चों की मोटिवेशनल क्लासेस लेते हैं कि इसको अडॉप्ट करना है, फ्यूचर में आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। पहले सिर्फ एमबीए वाले भैया लोग पढ़ते थे या सीनियर लोग पढ़ते थे, अब आप लोगों को भी ऐसे करना है वर्चुअल क्लासेस, तो बच्चे समझ रहे हैं। अब प्रोजेक्ट वर्क बना के भी जमा कर रहे हैं, असाइनमेंट्स तो खैर कर ही रहे थे, अब तो एमसीक्यूज के थ्रू एग्जाम्स हम लेते हैं, पीरियोडिक टेस्ट हो गए, हाफ ईयरली वो चल रहे हैं, तो इस तरह से सब कुछ सब हो रहा है। बिल्कुल मैम, पद्धति को हर कोई अपना रहा है। जी जी मैम, एक शुरुआत में हमने बात की थी टीचर्स डे के रिलेटेड, जो नॉस्टैल्जिया मेरी थी, जो मुझे याद थे दिन, तो ऐसे कई सारे पल आपकी जिंदगी में जरूर होंगे एज ए शिक्षक, जब आपके छात्र या आपके किसी कलीग्स के साथ कोई भावुक पल हो या कोई इमोशनल मोमेंट हो जिस समय आपने उनकी मदद की हो या उसने आपकी मदद की हो, जो आप शेयर करना चाहें, या कोई आपका स्टूडेंट आपको मिला हो कहीं किसी बड़े पोजीशन पे तो आपको लगा हो कि हाँ जिंदगी सफल हुई मेरी। या संभव ऐसे तो बहुत सारे, मतलब आई एम वेरी मच, क्या मैं बोलूं, मैं बहुत अपॉर्चुनिस्ट इस मामले में, बहुत खुशनसीब हूँ कि बहुत से बच्चों का अगर आप देखिएगा तो हमेशा वो लिखते हैं मैम आज मैं इस पोस्ट पे हूँ, आज मैं इस पोस्ट पे हूँ, मैं मैनेजर बन गया मैं यहाँ, तो वो तो बहुत खुशी की बात है। एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट मैं बताती हूँ, स्कूल टाइम की ही बताती हूँ, क्लास 11-12 की बात है। एक बहुत साधारण सी लड़की थी, नाम मैं नहीं ले रही अभी उसका, तो वो समझ ही जाएगी कि मैम मेरे बारे में बात कर रही है। बहुत साधारण सी सामली सी लड़की थी, तो कोई उसको कभी भी बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दिया या थोड़ी इग्नोर थी। तो मेरे पास, मैं एनसीसी ऑफिसर भी थी, तो मेरे वो एनसीसी ग्रुप में भी थी, तो मैंने उसको कहा कि यू आर वेरी क्यूट, है ना, मैंने सब टच करके कहा थोड़ा सा गाल पे कि तुम बहुत प्यारी लगती हो। वो दिन था और उसके बाद से उसके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में जो बढ़ोतरी हुई मैं बता नहीं सकती। उसे इकोनॉमिक्स क्लास 10 तक नहीं पसंद था, 11-12 में उसे बहुत अच्छे नंबर आए, 90s में उसने इकोनॉमिक्स से मार्क्स लाया और आज वो किसी अच्छे स्कूल में इकोनॉमिक्स की पीजीटी है। Okay. तो वो हमेशा लिखती है मेरे को, हर एफबी पे मेरे को, हर टीचर्स डे पे लिखती है कि मैम आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ यू हियर, आपने मुझे ये कहा कि तुम क्यूट लगती हो, मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा था, मुझे कोई इम्पोर्टेंस कभी नहीं मिली थी, तो मेरी जिंदगी में वो एक जगह थी जहां से मेरे अंदर बदलाव आया। तो इस तरह से काफी बच्चे हैं, अच्छा लगता है सुन के। बिल्कुल मैम, और मुझे अच्छे से याद है कि अभी मैं मनोहर सर का इंटरव्यू कर रहा था, मनोहर लाल सर का, तो जिस समय उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला दिल्ली में, तो मैं उस इवेंट की कवरेज में था। अच्छा, और मैं वहीं पे थी, मैं तो मतलब वहीं आसपास सारा कुछ देखा। जी मैम, तो उसको हम कवर कर रहे थे उस वक्त, और उनसे उस वक्त भी मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही सुखद पल था कि मैं अपने मीडिया के कर्मियों में, दोस्तों में बता रहा था ये मेरे सर हैं, देखो इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तो ये एक चीजें हैं जो काफी याद आती हैं, काफी चीजें होती हैं। जाते जाते मैम, शिक्षक दिवस पर आपका क्या संदेश होगा? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ सबों को कि नैतिक मूल्यों पर भी जरूर ध्यान दें, है ना। कितना भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम चले जाएं, कितने भी मॉडर्न हो जाएं, वो मॉडर्न की परिभाषा गलत नहीं करते। बिल्कुल। तो हमेशा एक छोटी सी, अगर आपके पास टाइम है एक सेकंड का, तो मैं जी, जी, बता दूं कि एक बार एक आचार्य ने कहा, जब पढ़ाया जा रहा था कि 2+2=4 होता है, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, तो किसी बच्चे ने कहा 3 और 5 क्यों नहीं बोल सकते हैं।
ध्यान से तीन और पांच क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो उन्होंने बहुत सोच कर कहा कि अगर तुम्हें किसी से लेना हो, है ना, किसी से लेना हो और तुम 2+2 को अगर 5 ना कर दो, अगर तुम्हें किसी गरीब को देना हो तो तुम 2+2 को 3 ना कर दो, इसीलिए हमेशा 2+2 4 ही होता है। ऐसी गुड बातें अगर हम समझ जाएं, हमारे बच्चे और शिक्षक दोनों, ये एक के लिए नहीं था, नैतिक मूल्यों की बात हम करते हैं तो दोनों के लिए है ना, शिक्षकों के लिए भी और आज के विद्यार्थियों के लिए भी। आपने सही कहा मैम, और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी, जब मैं स्कूल्स में था तो हम, मेरे कई सारे लिसनर भी ये सोच रहे होंगे कि जब मैं स्कूल्स में, मैं जनरली सोचा करता था कि मैं ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कहाँ इस्तेमाल होगा मेरी लाइफ की जिंदगी में। पिछले 20 साल हो गए मुझे स्कूल छोड़े हुए, लेकिन मुझे कहीं इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मेरा एक माइंड डेवलप हुआ, मैं नई चीज़ें सीख पाया और उस डेवलपमेंट, उस नैतिक मोरल जो हमारे अंदर अपग्रेडेशन हुआ स्कूल के दौरान, डिसिप्लिन जो हमने सीखा, उसका इस्तेमाल रियल लाइफ में हम कर रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में भी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है स्कूल से, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होगी मैम। ये है हमारी प्रिंसिपल आचार्य कुलम रांची की, सुजाता कौरा मैम, जो कि शिक्षक दिवस पर हमें बहुत सारी बातें बता रही थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखलाई और सीखने का मौका मिला इनसे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो खांची में आने के लिए। थैंक यू शंभु फॉर कॉलिंग मी, फॉर इनवाइटिंग मी। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू।